हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के करीब 10 बज चुके हैं और आज के मेरे वीडियो की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है क्योंकि सुबह से घर के कामों में बिज़ी हो रखी थी मैं। और कल भाई भी आ गया है बद्रीनाथ से और भाई के साथ आए हैं दिल्ली से हमारे मुकुल भैया और उनकी प्यारी सी फैमिली। तो सुबह से टाइम का पता ही नहीं चला। अभी मम्मी पापा भी जा चुके हैं पुराने वाले घर पे और आज ना हम यहीं रहेंगे, हमारा दिन का लंच आज यहीं बनेगा। और आज मैं वीडियो की शुरुआत ना छत से कर रही हूँ और आज देखिए सामने के क्या सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। चौखंबा पर्वत देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी उसके ऊपर थोड़े बादल लगे हुए हैं इसीलिए पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखिए हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है और बारिश के बाद जो पहाड़ों का नज़ारा है ना वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। आज तो सारी धुंध हट गई है और गजब के नज़ारे हो रखे हैं सामने के। और कल रात को ना काफ़ी तेज़ बारिश लगी, सुबह में भी लग रही थी हल्की हल्की, लेकिन अभी बंद हो गई है। अभी तो थोड़ा धूप खिली हुई है। तो 10 भी बज चुके हैं और अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, तो एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और छत से ना नीचे जाने के लिए अभी सीढ़ी भी नहीं लगी हुई है तो मैं यहाँ खेत के रास्ते से आती हूँ हमेशा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लकड़ी की सीढ़ी लगाई हुई है लेकिन इसमें मुझे जाने से डर लगता है, कहीं पता चल रहा नीचे गिर गए तो हो गया फिर। अभी मुझे ना वहाँ से घूम के इतना आना पड़ा, अगर यहाँ पे सीढ़ी होती अच्छी वाली तो यहीं से आ जाती मैं नीचे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मम्मी ने आज बना रखी है लोहे की कढ़ाई पे भिंडी की सब्जी। तो गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी का और गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है और चौखंबा पर्वत की साइड से देखिए नीला नीला आसमान दिखाई देने लग गया है और अभी ना चौखंबा पर्वत भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, आज तो सामने के नज़ारे कितने खूबसूरत हो रखे हैं। अभी सामने के जो नज़ारे हैं ना वो इतने गजब के हो रखे हैं कि मैंने एक दो रील्स भी बना ली हैं, तो वो रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये नीचे मेरा यूजर नेम आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पे भाई लगा है एडिटिंग करने पे। हेलो, स्वागत है हमारी वीडियो में 3-4 दिन के बाद। थैंक यू। हम बद्रीनाथ धाम यात्रा का 3रा एपिसोड एडिट कर रहे हैं। अच्छा, कैसी रही बद्रीनाथ की यात्रा? बहुत बढ़िया। आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो मेरे चैनल को चले जाना, जरा वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पे सो रखी है छोटी सी बेबी मुकुल भैया की। ठीक है, अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। हाँ हाँ, अभी दिन के करीब 12 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ ताईजी लोगों के घर में, ये दो बॉटल लेके। इसमें ताईजी लोगों के घर से पानी लेके आऊँगी क्योंकि हमारा जो पानी है ना उस पर पाइप की स्मेल आ रही है तो वो पानी पिया नहीं जा रहा है, तो इन पे पानी लेके आती हूँ। और ताईजी लोगों के घर के अगल बगल देखिए कितने गुलाब खिले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ताईजी लोगों के घर में और यहाँ पे हमारी ताईजी लगी हैं मिर्च में गुड़ाई करने पे। तो अब फटाफट इन दो बोतलों पे पानी भर लेती हूँ और यहाँ पे ताईजी का सुखाने के लिए रखा है ये लेमन ग्रास, ये चाय में डालने पे इस पे ना अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैं जा ही रही थी तभी मैंने एक पौधा देखा यहाँ पे और ये है रसभरी का। तो ताईजी हमको ये निकाल के दे रही है, मैंने तो पहली बार देखा ये पौधा, तो अब इनको चख के देखेंगे कैसे होते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी इनको। यहाँ पे ताईजी लोगों के घर के अगल बगल ना काफी सारी सब्जियां भी बो रखी हैं और गुलाब तो काफी ज्यादा हो रखे हैं। तो यहाँ पे ताईजी लोगों का ये छोटा सा पौधा भी लगा रखा है। ये पौधा पता नहीं किस चीज का है, मुझे तो नाम भी नहीं है पता, लेकिन ताईजी बोल रही है कि ये सिर्फ 100 पीस के लिए है। और यहाँ पे ये है बीन्स की झाड़ी और इस पे देखिए कितने सारे बीन्स लगे हुए हैं, तो काफी अच्छी बात है, काफी सारी चीजें हो रखी हैं यहाँ अगल बगल। तो यहाँ पे ये है नल, इसमें से पानी भर देते हैं, इसको थोड़ा खुला रखते हैं क्योंकि इस पे भी गर्म पानी आता है। तो यहाँ पे मैंने दो बॉटल पानी की भर दी हैं, दो काफी होंगी, अगर कम होगा तो फिर से आ जाऊंगी यहाँ पे पानी भरने के लिए। हर साल ताईजी लोगों के घर के आगे ना ऐसे ही गुलाब खिले रहते हैं, काफी ज्यादा गुलाब होते हैं। और यहाँ से हमारा घर सामने दिखता है ये। आज ना मुझे काफी सारे काम करने हैं तो फटाफट चलती हूँ, एक बार लंच बना देती हूँ जल्दी से, फिर और काम निपटाने के लिए होता है आगे। और अभी आप देख सकते हो सामने चौखंबा पर्वत पे पूरे बादल लग गए हैं और यहाँ पे हमारा भाई भी आ रखा है। क्यों आए थे मिलने? ये मारता रहता है मेरे को। और यहाँ पे भाई का चश्मा छूटा था, चश्मा लेने के लिए आया। भाई बुढ़ा हो गया अब।
तो यहाँ पे मैं ताई जी लोगों के घर से कुछ लाई थी खाने के लिए। भाई को पता है ये क्या है? रस मिंदा। या रस भरी, इसको तो पता ही नहीं है क्या है ये रस मिंदा। अरे वाह, आपके घर में लगा रखा है ये? बिल्कुल हाँ, तभी इसको पता है, क्योंकि ये भी काफी सारी चीजें लगाते हैं ना ऐसे। स्ट्रॉबेरी मिले घर में, इनके घर में स्ट्रॉबेरी भी मिलेगी। चलता बाय। तो यहाँ पे ताई जी ने जो रसभरी दी थी उसको एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ कैसा हो रहा है। अच्छा स्वाद आ रहा है इस पे, हल्की सी खट्टी हल्की सी मीठी हो रही है। अब तो मैं और लाऊंगी वहां से खाने के लिए। तो अभी मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी है, अब मैं जा रही हूँ सब्जी निकालने के लिए। और सब्जी निकालूंगी मैं यहाँ नीचे खेतों से, ताजी ताजी सब्जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चौलाई की सब्जी है ना वो कितनी ज्यादा हो रखी है, और वहां पे है राई, तो दोनों मिक्स करके बना दूंगी मैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इतनी सब्जी निकाल दी है, अब इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं एक बार, क्योंकि मिट्टी लगी है इस पे बहुत ज्यादा। और चौलाई की सब्जी पे देखिए इस टाइप के कीड़े भी रहते हैं, और ये ऐसे लगते हैं ना जैसे सोने के होंगे। तो यहाँ पे दाल बनके भी तैयार हो गई है, और यहाँ पे चावल भी रखे हैं, और अभी मैं बना रही हूँ हरी सब्जी। अभी शाम के करीब 4:30 हो रहे हैं, और शाम होते ही ना यहाँ बंदरों का काफी ज्यादा आतंक हो जाता है। और अभी ना इस साइड से काफी तेज धूप चमक रही है, और यहाँ आगे से तो धूप पूरी चली गई है, बस इसी साइड बची हुई है। और अभी यहाँ नीचे पेड़ों पे ना काफी सारे बंदर बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए कुत्ते इतने सारे हैं, लेकिन कोई किसी काम के नहीं है, बंदर को बिल्कुल भी नहीं भगा रहे हैं। और बंदर देखिए सामने ऐसे बैठे हुए हैं पेड़ पे मजे से। और यहाँ पे देखिए बंदर और कुत्ते का पंगा हो रहा है आपस में। और इस कुत्ते पे देखिए घूमते फिरते हुए यहीं पे आ जाता है कहीं ना कहीं से। बाय बाय। और यहाँ पे देखिए भाई पे टाइम लैप्स लगाया हुआ है, ये कहाँ का टाइम लैप्स लगाया हुआ है तेरा? सामने का, जहाँ वो बादल टहल रहे हैं आपस में। अच्छा, और अब कहाँ का प्लान है जाने का? सामने वाली धार पे अभी हम जाएंगे, ये सामने वाली धार पे, यहाँ ये जो स्कूल है ना, तो यहाँ से गांव का नजारा दिखता है बहुत सुंदर, तो वहीं चलते हैं घूमने के लिए। और वहाँ हम 2-4 रील्स भी बना लेंगे, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।